उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में आज कुष्ठ रोगी व प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उनके आवास की जिला अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह, मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र तंवर व विधायकगण द्वारा लाभार्थियों को चाबी प्रदान की गई। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवार सम्मिलित किए गए हैं जिनका नाम SECC 2011 के आधार पर तैयार की गई है। जनपद शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 97 लाभार्थी थे जिनके मकान बनाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो कुष्ठ रोगी हैं और दूसरी किस्म के वो लाभार्थी हैं जिनका घर किसी दैवीय आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है या विनष्ट हो गया है। तो ऐसे पात्र 97 लाभार्थियों को आज यहाँ पर उनके घरों का की चाबी दी गई है और साथ ही शीत ऋतु को देखते हुए उनको एक एक कम्बल भी प्रदान किया गया है। ये कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में आज के दिन चलाया गया है जिसमें शाहजहांपुर जनपद में 97 लाभार्थियों को दिया गया है। मैं ये भी आप लोगों को बता दूं कि 97 लाभार्थियों में से 15 लाभार्थियों के आवास पूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुके हैं और शेष लाभार्थियों के आवास निर्माणाधीन हैं जो आने वाले माह में जनवरी माह में कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इस वित्तीय वर्ष में 97 लाभार्थियों को हम पूरी तरीके से इस योजना के तहत आच्छादित कर दे रहे हैं। ये वो लाभार्थी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची से वंचित रह गए थे सेक डाटा के में न आने के कारण, और इनको पृथक से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित किया गया था। सर कितनी लागत रहेगी इनकी और क्या कितनी सुविधाओं से मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभार्थी की पात्रता है वो लगभग वही है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है और उतनी ही धनराशि इनको हम एक लाख 20,000 रुपए की सहायता हम देते हैं उनको प्रथम और द्वितीय किस्त के रूप में, जिससे वो अपना आवास बनाते हैं।